से देखिए उज्जैन का कुछ इस तरह का नज़ारा है, ये देखिए। हेलो एवरीवन, तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं बागेश्वर धाम पूरा घूम चुका हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ उज्जैन, जो कि मेरी ट्रिप है। अभी यहाँ से शाम को, मतलब शाम बज हो चुके हैं अभी, और मेरी ट्रिप है मतलब शाम को यहाँ खजुराहो, जो नियर रेलवे स्टेशन है, यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर है, जो कि मैंने बताया अभी पिछले वीडियो में। वहाँ से मतलब यहाँ से वहाँ मुझे जाना है और वहाँ मेरी रात को शायद 9 बजे ट्रेन है। तो चलते हैं और आपको बताते हैं यहाँ कि कैसे हम जाएँ यहाँ से, अगर आपको उज्जैन जाना है। वैसे तो मुझे जाना है और अगला ब्लॉग जो आएगा वो उज्जैन से ही आएगा, उज्जैन से रिलेटेड वहाँ महाकाल का ब्लॉग आएगा। तो चलिए और दिखाते हैं आपको यहाँ के ट्रिप, यहाँ कैसे जाना है और क्या कितना चार्ज पड़ता है टिकट का, सब कुछ बताते हैं आपको। फिलहाल पूरा अभी ये पूरा बिखरा हुआ है मेरे कपड़े वगैरह, अभी यहाँ से अभी मैं पूरा पैकिंग वैकिंग करूँगा और फिर मैं निकलूँगा। वैसे दोस्तों मैं खजुराहो स्टेशन पहुँच चुका हूँ, जो देख सकते हैं आप, बाहर से ही कितना सुंदर बना हुआ है स्टेशन। अभी जस्ट ही मैंने ऑटो छोड़ा और अंदर आया, अब चलते हैं थोड़ा अंदर। एक्चुअली मैं बीच का ब्लॉग दिखा नहीं पाया, इसकी वजह है थोड़ा मैं काफ़ी जल्दबाजी में था, इसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाया आप लोग को। हाय दोस्तों, तो फाइनली मैं स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ, मतलब काफ़ी देर हो गई, करीबन आधे एक घंटा से ज़्यादा हो गया, और थोड़ी ही देर में मेरी ट्रेन भी आने वाली करीबन आधे एक घंटे के बाद। और मैं इतना देर में थोड़ा मतलब वेटिंग हॉल में था और एक अजीब केस मैंने देखा आज, जो कि मतलब एक लड़के को उसका जॉब था, वो शायद राजस्थान का था और उसका जॉब कहीं था, शायद कहीं जाना था उनको, मैं बताया लेकिन भूल गया मैं। और उसका रीज़न मतलब वो एक ट्रेन में बैठा था और उसको एक्सचेंज करना था कहीं कोई स्टेशन पे, और वो एक्सचेंज नहीं कर पाया नशे के चक्कर में, उन्होंने दारू पी रखा था। और अभी भी जब मेरे पास आया था तो वो मतलब पूरा नशे में था। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा भाई, अगर तुम नशा नहीं पचा सकते हो, अगर दारू को पचा नहीं सकते तो पियो मत ना यार, उस तभी पियो जब मतलब ज़रूरत हो। और आपको ज़रूरत क्या है, पीने से क्या होता है, और पियो तो उसको एंजॉय करो ना, कि मतलब उसका ज़रूरत बना के मतलब उसके बिना रह नहीं सकते। अब बता, उसकी कहीं जॉब थी और वो बंदा छोड़ दिया, जॉब छूट गया उसके चक्कर में, अब पता नहीं क्या करेगा, अभी वहीं वेटिंग हॉल में सो रहा है। हाय दोस्तों, तो हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम अब चलते हैं अंदर। थोड़ा देखते हैं, अपना सीट ढूंढते हैं और किधर मिल चुकी है, अब चलता हूँ, सुबह उठना पड़ेगा, सो जाता हूँ अब। तो दोस्तों मैं अब पहुंच चुका हूं उज्जैन और मैं एक्चुअली एक होटल के टेरिस पे हूं, और मैं आपको बता दूं कि मैं यहां करीबन, मैं होटल का तो नाम अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैं ये लास्ट दिन ज़रूर बताऊंगा कि मुझे यहां पे कितना खर्च पड़ा और कितना मैं पर नाइट पे कर रहा हूं। और मैं एकदम स्टेशन के पास ही में हूँ, मतलब स्टेशन उज्जैन स्टेशन मेरे सामने है, और मुझे बहुत अच्छा लगा रात का ट्रैवल भी, मुझे बहुत अच्छा सुकून से नींद आया मैं आया। और आज मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊँगा और आप लोग भी कमेंट कीजिए कि उज्जैन में आप क्या क्या देखना चाहते हैं और कौन कौन सा प्लेस देखना चाहते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करीब करीब में सभी करूँगा, लेकिन अगर आप कमेंट भी करें कि आपका, अगर आपकी इच्छा हो कि हाँ आप इस जगह पर आप ब्लॉग शूट कीजिए, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो देखिए उज्जैन का कुछ इस तरह का नज़ारा है, ये देखिए। दोस्तों मेरा डेस्टिनेशन खजुराहो टू उज्जैन एंड टिकट 1350 रुपये 50 पैसा लगा है।